एनएसयूआई के 40 वर्ष पूरे होने पर हमीरपुर में एनएसयूआई के द्वारा ब्रालड़ी पंचायत को लगातार 3 दिन तक सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। दूसरे दिन छात्रों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। एनएसयूआई मेंबर शिवम दिवान की अगुवाई में छात्रों द्वारा विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजिंग की गई। आप सभी को ज्ञात है कि कल 9 अप्रैल को एनएसयूआई के 50 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। उसी तरह एनएसयूआई हमीरपुर के द्वारा भी ग्राम पंचायत बलाल्डी में लगातार 3 दिन सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें कि 2 दिन आज पूरे हो चुके हैं और कल भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता द्वारा इस पंचायत में लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। एनएसयूआई की टीम हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, तिरंगा इस्लाम। वहीं इस अवसर पर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन में फंसे छात्रों के कमरे के किराए माफ करने के लिए सरकार पहल करे। साथ ही जो छात्र हिमाचल में या बाहर हैं, उनके घर आने का प्रयास भी सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पीजी क्लास में लेक्चर बिल्कुल कम लगे हैं, वहीं इससे पढ़ाई को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीएफ फाइलें लेक्चरर द्वारा भेजी तो जा रही हैं, लेकिन इससे पढ़ाई पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय में भी गौर करे। लेकिन फिर भी एनएसयूआई कुछ मांगे जो है वो प्रदेश सरकार के पास रखना चाहती है। सबसे पहली जो हमारी मांग है कि लॉकडाउन में जो छात्र फंसे हुए हैं, जैसे जनजातीय क्षेत्र के बहुत से जो छात्र हैं वो हमीरपुर में या प्रदेश के विभिन्न विभिन्न कोनों में फंसे हुए हैं, और वो जो है वो अपना कमरों का किराया कैसे देंगे, क्योंकि वो अपने घर तो जा नहीं सकते, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन हुआ तो उनको अपने घर तक जाने का जो है वो समय ही नहीं मिला, जिस कारण वो अपना कमरे का किराया देने में सक्षम नहीं है। तो हमारी प्रदेश सरकार से पहली मांग ये है कि वो कृपा करके उन जो छात्र हैं उनका जो है वो किराया माफ कर दे। और दूसरी जो मांग ये है कि जो छात्र हिमाचल से बाहर हैं या हिमाचल के अंदर भी हैं, उनको 2-4 दिनों में उनकी जांच करके जो है वो उनको घर तक भेजने का जो है वो कार्य जो है वो सरकार करे, क्योंकि छात्र कई छात्र ऐसे होते हैं जो बाहर कहीं ढाबों में खाना खाते हैं या पीजी रखे हैं, तो वो कब तक खाना खाएंगे ऐसे, क्योंकि ढाबे वगैरह भी बंद है, तो उनको बहुत सी जो है वो परेशानियां जो है वो पेश आ रही हैं। और तीसरी जो ये है कि जो पीजी क्लासेस हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके अभी तक जो थे वो लॉकडाउन से पहले 5-10 ही लेक्चर लगे थे, और उन वो अपनी पढ़ाई आगे कैसे पूरी करेंगे। और रही ऑनलाइन स्टडी की बात, तो टीचर्स वगैरह जो है वो पीडीएफ फाइल्स भेज रहे हैं, तो पीडीएफ फाइल्स तो हम खुद भी नेट से मटेरियल उठा के पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए जो पेपर होंगे वो सेशन के होते हैं पीजी क्लासेस के जून में, तो अगर हम लोग जाते ही अगर पेपर देंगे तो हम पेपरों में क्या लिखेंगे। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि अगर ये जो सत्र होगा इसके जो पेपर होंगे वो थोड़ा समय लेकर जो है वो करवाए जाए, ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है वो किसी प्रकार के अंधेरे में ना पड़े। बाकी हमारी सरकार से यही मांग है, और हम एनएसयूआई ही नहीं बल्कि बाकी पूरे छात्र साथी भी उनसे अनुरोध करते हैं कि अन्य छात्र से भी अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है वो कार्य करें। जय हिंद।